दोस्तों ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इसको डिपिंस्योर कंपनी ने रिव्यू के लिए भेजा है। इस बॉक्स के अंदर उन्होंने एक डेटा केबल और दूसरा ईयरफोन भेजा है, तो आज हम इन्हीं दो प्रोडक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना देर के वे चलिए शुरू करते हैं। तो बॉक्स के अंदर से हमने ये प्रोडक्ट निकाला जो कि डेटा केबल है, और दूसरा प्रोडक्ट इन्होंने जो भेजा है वो है ईयरफोन। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं बात ईयरफोन की। तो ईयरफोन कुछ इस तरह की पैकिंग में आती है, इस पर हारमोनी लिखी हुई है और यहाँ जो कंपनी है वो डिपिंस्योर है, डिपिंस्योर ईयरफोन्स। प्राइसिंग की बात करें तो इस पर जो आपको प्राइसिंग रिटेल दिख जाती होगी वो 1099 रुपया, 1099। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बॉक्स काफ़ी हल्का फील हो रहा है। और जैसे अगर हम बॉक्स को खोलते हैं, पहले इसके ऊपर जो प्लास्टिक है थिन उसको हटाते हैं, तो बॉक्स कुछ इस तरीके का है। तो दोस्तों हमने ईयरफोन के बॉक्स से थिन प्लास्टिक हटा दिए, चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं और प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये मैंने बॉक्स ओपन कर दिया, बॉक्स को ओपन किया जैसे तो इसके अंदर से इटसेल्फ जो है ये हमारा ईयरफोन मिल जाता है। इसको निकाल लेते हैं, दूसरा ईयर पीसेस है, ईयरबड्स जिनको हम कहते हैं वो मिल जाते हैं। आई थिंक दो सेट हैं, एक स्मॉल और एक मीडियम और एक लगा हुआ है, तो इनको भी रखते हैं साइड। बात करें ईयरफोन की तो आपको यहाँ पे डिपिंसोर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। 3.5 mm इनपुट प्लग की बात करें तो ये काफ़ी अच्छे कोटिंग के साथ आता है। वायर्स की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, ब्रेडेड वायर है, और ये ब्रेडेड वायर्स की क्वालिटी है कि जो ये एंड्स हैं जहाँ पे फोल्डेबल हैं, यहाँ से फोल्डिंग होती है, वो नॉर्मल वायर जो होती है समय के साथ टूट जाती हैं, जिसकी वजह से ईयरफोन आपका ख़राब हो जाता है। पर ये जो ब्रेडेड वायर है ये टूटती नहीं है। इस वायर की लेंथ जो है 1.2 मीटर की है। यहाँ आपको कंट्रोलर मिल जाने वाला है जिसमें एक बटन मिल जाएगा, जिसकी वजह बदौलत आप कॉल रिसीव या कट कर सकते हैं। पीछे के साइड में कंट्रोलर में आपको एक माइक मिल जाने वाला है। उसके बाद से सबसे जो खास बात है इसकी वो है इसके ईयरफोन्स, जो ईयरबड्स हैं इनका स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अलग डिज़ाइन में बनाया गया है। ईयरबड्स की बात करें तो इस पर आपको लेफ्ट राइट लिखा हुआ मिल जाएगा, और ईयर टिप्स में आपको नॉइस कैंसिलेशन के लिए रबर का स्ट्रक्चर दिया हुआ, जिसकी वजह से आप नॉइस कैंसिलेशन का फायदा उठा सकते हैं। ये बाहर की जो आवाज़ होती है उसको ये कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से पूरी जो साउंड होती है वो आपको क्लियर सुनाई देती है। दोस्तों ये था डिपिंसोर का ईयरफोन। अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया, अच्छा लगा है, तो आप इसको अमेजन से परचेज कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बात करते हैं दूसरे प्रोडक्ट की, जो कि ये डिपिंसोर का ही डेटा केबल है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कुछ बॉक्स की पैकिंग इस तरीके से है, इस पर जो प्राइसिंग दी हुई है आप देख सकते हैं 699 रुपये लिखी हुई है। ये तीन वेरिएंट में अवेलेबल है, ब्लू, ब्लैक और रेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं कि ये जो टेम्परेचर प्रोटेक्शन के साथ आता है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है इसमें। और बॉक्स की पैकिंग ऐसी है, यहाँ आप देख सकते हैं मैग्नेटिक बॉक्स की ओपन क्लोज के लिए दिया हुआ है। बॉक्स को ओपन करते हैं, तो बॉक्स को ओपन करने के साथ साथ ये कुछ इस तरीके का ब्लैक केस मिलता है जिसके अंदर हमारा डेटा केबल रखा हुआ है। तो डेटा केबल कुछ ऐसा है, वायर्स जो है ब्रेडेड वायर्स हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी मजबूत है, ड्यूरेबल है, सॉलिड है। और ब्रेडेड वायर का फायदा तो यही है कि आप जब यूज़ करते हैं नॉर्मल वायर, तो ये समय के साथ साथ इस पॉइंट पे ये टूट जाता है, जहाँ से फिर आप की जो चार्जिंग होती है वो स्लो हो जाती है। ये ब्रेडेड वायर है तो काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा, फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। मैं इस पर एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने फ़ोन के साथ, जो कि रेडमी नोट 5 प्रो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कितना फास्ट चार्ज करता है। मैंने एम्पियर एप्लीकेशन पर इसका रिकॉर्डिंग किया है, तो ये करीब 1600 से 1700 के बीच में ऑन एन एवरेज ये जो मिली एम्पियर पावर जनरेट करता है। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सॉलिड है, और ये तीन कलर में अवेलेबल है। आप इस प्रोडक्ट को अगर खरीदना चाहते हैं तो अमेजन पे खरीद सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यह डिपिंस्योर का डेटा केबल जो कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जैसे कि आप लाइव देख सकते हो कि ये कितना फास्ट चार्ज करता है, 1600 से 1700 मिली एम्पियर, जो कि मेरा रेडमी नोट 5 प्रो फ़ोन है उसको मैंने चार्ज करके दिखाया है।
इसका जो लेंथ है वो करीब 1 मीटर के करीब है। तो दोस्तों ये थी डिपिनश्योर की 2 प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, डेटा केबल और ईयरफोन की। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप इसको अमेजन से खरीद सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपके क्वेश्चन का उत्तर जरूर देंगे। जय हिंद।